रात के 8 बजे थे और विजय बरबेघा पहुंचा था। विजय एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका ट्रांसफर बरबेघा में हुआ था, पर बरबेघा के चौक पर उतरकर विजय चौंक गया। पूरा चौक सुनसान था, आसपास कोई इंसान कोई दुकान नहीं। ये कैसा गांव है, यहाँ तो कोई भी नहीं, एक चाय वाला तक नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। विजय आगे चलने लगा, उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा काफी था और वो रास्ता भी सुनसान था। सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। विजय आगे बढ़ता गया, उसे कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी, इसलिए उसने बैग में रखी टॉर्च जला ली। वो चलता गया। रास्ते में उसे एक बड़ा सा गेट दिखा। गेट पुराना था और टूटा फूटा। विजय ने उस पर लिखे शब्द पढ़े, मुजरा बाजार। पते के हिसाब से पुलिस स्टेशन यहीं आसपास होना चाहिए। जैसे ही विजय आगे बढ़ा, उसे लगने लगा कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने चलना जारी रखा। उसे वापस किसी के होने का एहसास हुआ। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखने लगा। अब उसे डर लगने लगा था। कौन है? कौन है? विजय डरता डरता आगे बढ़ता रहा। उसे सन्नाटे में भी शोर सुनाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मकान दिखा जिसके बाहर लिखा था, पुलिस स्टेशन। ये कैसा अजीब पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में तो लाइट तक नहीं जल रही। और उसने लाइटर जला लिया, तभी उसे दीवार पर लगी मशाल दिखी। विजय ने लाइटर से मशाल जला दी और उसे दिखा कि कमरे में बस टूटी फूटी टेबल और कुर्सी थी। शायद सब सो गए हैं, इसलिए मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज भूखा ही सो जाता हूँ। विजय वहीं कुर्सी पर सो गया। रात को कई बार उसकी नींद खुली तो बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। सुबह हुई और विजय उठकर पुलिस स्टेशन के बाहर आया। उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाय लेकर उसके पास ही आ रहा था। नमस्कार साहेब, हमारा नाम जोरावर है, हम यहीं रहते हैं। इसकी शक्ल कितनी अजीब है। अरे कल रात तुम कहाँ थे, और इस पुलिस स्टेशन में कोई काम नहीं करता क्या? कई लोग आए और कई लोग गए। वो आदमी चाय और कुछ खाने का रख कर चला गया। ये क्या बोल गया? कुछ देर बाद विजय गांव के दौरे पर निकला। उसे गांव में कोई दिख ही नहीं रहा था, ना कोई घर था और ना ही कोई इंसान। वो हैरान था। जब इस गांव में कोई रहता ही नहीं तो यहाँ पुलिस स्टेशन की क्या जरूरत। चलते चलते विजय मुजरा बाजार के गेट के पास पहुंचा। वो गेट को अच्छे से देखने लगा। उस गेट पर कई लाल धागे दिखे। इतने सारे लाल धागे किसने बांधे होंगे, यहाँ तो लोग ही नहीं है। विजय उन धागों को खोलने ही वाला होता है। रुक जाओ, उस दरवाजे को हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों 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 क्या होगा? इस गेट को देखकर तो लगता है कि यहाँ सदियों से कोई रहता ही नहीं। हाँ, लेकिन कई साल पहले ये मुजरा बाजार शहर का सबसे बड़ा मुजरा बाजार था। उस समय इस बाजार में बहुत रौनक हुआ करती थी। वहाँ क्या राजा और क्या रंक, सभी रात को मुजरे वाली के पास जाते थे। शाम होते ही ऐसा लगता था कि पूरी जन्नत इसी बाजार में है। उस वक्त एक राजा था जो इस मुजरा बाजार में अक्सर आता था। जो भी लड़की उसे पसंद आती वो उसे चाहिए होती थी। पर एक दिन इस मुजरा बाजार में एक नई लड़की आई, उसका नाम था गंगा। गंगा पहले नर्तकी थी, पर पैसों की वजह से उसे एक मुजरे वाली बनना पड़ा। पर गंगा पवित्र थी, वो बस नाच कर पैसे कमाती थी। पर राजा की नजर उस पर पड़ी और वो उसे चाहिए थी। पहले राजा ने उसे खूब पैसे का लालच दिया, लेकिन वो राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर राजा ने अपने घमंड में गंगा को मुजरा बाजार से निकलवा दिया। गंगा रास्ते पर आ गई
फिर उस बाजार की गंगू मौसी को गंगा पर दया आ गई और वो चोरी चुपके गंगा को अपने मुजरे में लेकर आ गई। ये बात राजा को पता चल गई और राजा ने उस रात सारा मुजरा बाजार ही जला दिया, जिसमें सारी मुजरे वालियां जल जल कर मर गई। उसके बाद अक्सर लोगों को घुंघरों की झनकार सुनाई देती है। ओह, तो क्या इस वजह से गांव वाले गांव छोड़कर चले गए? अरे छोड़कर नहीं गए, मारे गए, सारे मारे गए। मुजरे वालियां किसी भी तरीके से अपने शिकार को मुजरे बाजार के अंदर बुलाती हैं और बेदर्दी से उन्हें मारती हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्हें मरे हुए तो कई साल हो चुके हैं ना। मुझे तो लगता है आप सब गांव वाले बेफिजूल की अफवाह फैलाकर इन सब भूत प्रेत की कहानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटा कुछ दिन यहाँ रहो, तुम खुद जान जाओगे। ये सब सुनकर विजय वापस पुलिस स्टेशन की ओर लौट गया। आज रात फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी। वो डरा हुआ था, डरा सहमा सो गया। अचानक वो रात को चलने लगा और चलते चलते मुजरा बाजार के गेट पर पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया, तबले की थाप शुरू हुई और घुंघरुओं की झनकार। आगे विजय के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। बस उसकी एक चीख सुनाई दी और मुजरा बाजार में एक बार फिर वही सन्नाटा छा गया। मैंने कहा था ना, कुछ दिन में खुद जान जाओगे। हाहाहाहाहाहा